मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट होने का अनुमान है। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाए घने कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बिल्कुल, 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला दिन निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कम ही रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में, लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है, इस तरह का तो लग रहा है। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो या स्नोफॉल है आपके जो जो हमारी लोअर रिचेज है उस पर भी आ जाए ऐसा लगता नहीं।